जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइड विद ऑडिशन में। जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। ये सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स 2023 से 2024 तक की होगी और कुछ क्वेश्चन इसमें 2022 के भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो का लिंक मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में भारत ने किसके नेतृत्व में बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट मैच क्रिकेट श्रृंखला 2-0 से जीता। तो किसके नेतृत्व में जीता था, ये केएल राहुल जी के नेतृत्व में जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल नीलामी में कौन सबसे महंगे खिलाड़ी बने, तो ये इंग्लैंड के सैम करन जी बने थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस सेल बोट ने 50वें केप टाउन टू रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया था, तो ये हमारी आईएनएसवी तारणी थी। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि इसका निर्माण जो हुआ गोवा में हुआ था, ये भारतीय नौसेना में 2018 में आई थी, 2018 में आई थी नहीं, ये हमारी 18 फरवरी 2017 को आई थी इस पे भारतीय नौसेना में, और इसने एक सफल ऐतिहासिक परियोजना में भाग लिया था जो थी हमारी सफल ऐतिहासिक परियोजना नाविक सागर परिक्रमा। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण XVI का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह साल झंडी नेपाल में किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पांचवा, हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया था हमारा मेघालय में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरा होने पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिसंबर 2022 में किया था, किस देश के साथ किया था, तो ये जापान के साथ किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टील इंडस्ट्री के में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड फ्रेस्टा किस कंपनी ने लॉन्च किया था, तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया था, ये कल्याणी स्टील थी हमारी, कल्याणी स्टील ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया था, तो ये हमारी पीटी ऊषा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ, तो हमारा मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और US नेवी शील के बीच 17वां संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास संपन्न हुआ था, तो यह संगम अभ्यास संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुशैल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली भारतीय बनी, तो ये दीपिका पादुकोण जी बनी थी। अगला क्वेश्चन, दोहा कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप का
2022 के फाइनल में अर्जेंटीना में किसे हराकर 36 साल बाद यह खिताब जीता था? तो फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता था? तो हमारी जो पुनेरी पलटन थी, पुनेरी पलटन को हराकर यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए? क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये हमारे जो आयरलैंड है, आयरलैंड, उसके प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसे 120 रनों से हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता तो ये बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन, 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH नेशन कप 2022 का खिताब जीता था? तो स्पेन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2022 में विश्व में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कौन थे? तो हमारा नीरज चोपड़ा। 19वां क्वेश्चन, किस बैंक ने किफायती आवास वित्त पोषक के लिए टीयर सेकेंड और थर्ड शहरों सहित विभिन्न स्थानों में रोशनी शाखाएं खोली? तो हमारी PNB बैंक थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने इस वर्ष 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे ITF विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया? तो राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से कंज्यूमर गुड्स FMCG बाजार में प्रवेश किया था? तो ये इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन यानी रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्केप टनल 12.89 किलोमीटर लंबी का निर्माण पूरा हुआ? तो ये हमारी बनियाल कटरा रेल लिंक थी। आगे देखेंगे, गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति कौन बने? तो हमारे अश्विनी वैष्णव जी। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया जिसे जिंदगी भर फ्री खाना बनाया जा सकेगा? ये सूर्य नूतन के द्वारा फ्री खाना बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे।